चैप्टर नंबर वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट का सभी लोग जानते हैं मतलब होता है विकास, मतलब कि जिस चीज में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होता रहे उसे हम लोग विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है आप लोग का भी होगा जो आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ में भी प्रोग्रेसिव चेंज होता है, ठीक है, जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ठीक, उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसे हम लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं बोलते हैं, हम लोग उसे ग्रोथ ही क्यों बोलते हैं। ठीक, आज हम लोग ये बात यहाँ पर जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर चीज में, ठीक, उसके साइज में इंक्रीज हो। ठीक, जैसे कि सेल होता है, सेल का अगर साइज इंक्रीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है ना कि डेवलपमेंट कर रहा है। तो अब डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, तो जैसे कि हमारा इकोनॉमी है देश की, इंडिया की, उसमें अगर जीडीपी इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट होना। किसी के फंक्शन इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट होना। जैसे किसी का हाइट बढ़ रहा है, वो हो गया एक पार्टिकुलर, उसका सिर्फ हाइट बढ़ रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर वही उसके ग्रोथ के साथ में वो अपना मेंटली फिजिकली उसका हेल्थ भी बढ़े, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी धीरे धीरे होते चले जाए, ठीक, उसकी समझदारी भी बढ़ती चली जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डेवलपमेंट हो रहा है उस बच्चे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब डेवलपमेंट का इस इकोनॉमिक्स चैप्टर में डेवलपमेंट जो है उसका डिफिनेशन क्या होता है। पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन इस पर काफी ज्यादा आए हुए हैं, डेवलपमेंट का डिफिनेशन, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक, फर्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड मेंशन इट्स टू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। फीचर्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहला होता है कि जो हमारे इनकम को इंक्रीज करता हो, जैसे कि लास्ट ईयर में हम लोगों के पास 1000 अर्निंग थी, इस साल इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 2000 हो गई, ठीक, तो ये इंक्रीजमेंट हुआ। नेक्स्ट है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कि हम लोग हर साल 2 शर्ट खरीद सकते थे लेकिन अब हम लोग 3 या 4 शर्ट खरीदने लगे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज होने लगी। पहले 2 सब्जियां घर में बनती थी, अब क्या है 3 सब्जियां बनने लगी, समझ रहे बात को। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट। इलिटरेसी रेट, लोग अधिक शिक्षित हो रहे हैं। क्राइम रेट, देश में क्राइम रेट डिक्रीज होना, ठीक है, लोग अधिक शिक्षित होंगे तो क्राइम क्या होगा, कम होगा, लोग अधिक जॉब लेंगे तो उससे क्राइम क्या होगा, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसके फीचर्स क्या है, जैसे कि इतने हम लोग एग्जाम्पल देखें, ये बात समझिए, जो अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, हमारे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम इज ए मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। जी जनाब, हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया यहाँ पर, जैसे कि रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी, क्राइम रेट, इन सब का मतलब होता है किससे जुड़े होते हैं कि इनकम से, अगर किसी का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उस सब चीज पे इंक्रीजमेंट होगा, हेल्थ में भी इंक्रीज करेगा, सब कुछ करेगा, समझ रहे हैं। तो जैसे कि ये एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं, इनका डेवलपमेंट क्या होता है कि वो आगे चलकर जॉब लग जाए उनको, ये उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि गर्ल्स हैं, उनको समाज में इक्वली स्टेटस मिले, ठीक है, लड़कों के बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले स्पोर्ट्स में, हर जगह पर, तो उनके लिए वही डेवलपमेंट है, समझ रहे बात को। नेक्स्ट चल जाते हैं, अब जैसे कि कोई एक लेबर है, ठीक है, तो लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या है, वो रोज 500 रुपया कमाता है तो अब वो क्या करने लगेगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो 600 रुपया कमाने लगेगा, 700 कमाने लगेगा, तो इसके लिए वही डेवलपमेंट है उस लेबर्स के लिए, समझ रहे हैं। अब कोई एक छोटा बच्चा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, वो किसी इंडस्ट्रीज में काम करता है तो अब वो स्कूल का सपने देखता है कि मुझे अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए, हम भी अदर बच्चों की तरह पढ़ाई करें, उसके लिए वही डेवलपमेंट है, समझ रहे हैं। सबके लिए डेवलपमेंट अलग होता है, अब हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे व्यूज लाएं, उसको अच्छे से देखें और अच्छी जॉब लें आप, ठीक है, हमारे लिए वही डेवलपमेंट है कि आपका डेवलपमेंट में हमारा डेवलपमेंट है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि क्या सबके लिए डेवलपमेंट एक जैसा है, जो चीज आपके लिए डेवलपमेंट कहा जाएगा वो हमारे लिए भी डेवलपमेंट होगा, क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है, कैसे हो सकता है,
आप 6 क्लास से 7 क्लास में चले गए, 7 से 8 में, 10th में आ गए, अब अगले साल आप लोग 11th में जाएंगे, ये डेवलपमेंट आपके लिए है, ये प्रोग्रेस आपके लिए है। तो कोई एक गांव का मुखिया है, वो सोचेगा कि हम विधायक बन जाएं, ठीक है ना, एमएलए बन जाएं, एमएलए सोचेगा कि हम सीएम बन जाएं, सीएम सोचेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ये उसके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मायने सबके लिए अलग अलग होता है। ये भी सेम चीज है जो पिछले स्लाइड में था, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी के लिए डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो शायद हो सकता है किसी को नुकसानदायक हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि मेरे पास छोटा सा फील्ड है, खेत है, ठीक है, उसके बगल में किसी गरीब आदमी का खेत है। हमने क्या किया कि जबरदस्ती उसको जमीन को अपने कब्जे में कर लिया, तो क्या ये हमारे लिए डेवलपमेंट हुआ? हुआ। क्या उसके लिए डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। वो बेचारा उसी पर अपना पूरे साल का जो इनकम था उसी पर करता था अर्निंग, तो अब उसके लिए क्या हो गया? वो फील्डलेस हो गया, उसके पास खेत नहीं रहा, तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए डिस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है इस डायग्राम के जरिए, ये है आपका डैम, ठीक है। अब इस डैम में क्या होता है कि इसके अगल बगल जो विलेजेस थे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि लोग माइग्रेट करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि उस गांव का डेवलपमेंट हुआ? नहीं, उस गांव में डिस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि फ्लड का हो गया, जो एरिया थे वो सरकार ने कवर कर लिया, ठीक है, अधिक लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगे, कुछ लोगों को फायदा हुआ लेकिन उससे कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। ये हुआ डिस्ट्रक्शन, कि किसी के डेवलपमेंट से किसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि लैंडलेस लेबर, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होते हैं, जैसे कि वो अधिक ना उनको पैसे मिले, ठीक है ना, अधिक उनको काम मिले, बेटर वेजेस मिले, मतलब वेजेस मतलब होता है क्या, आमदनी होती है, पैसे होते हैं, अधिक उनको एक काम के पैसे मिले और उनको इकोनॉमिक या सोशली इक्वालिटी मिले, समाज में सब उनको इक्वली रिस्पेक्ट करें, ठीक है, पैसे उनके पास अच्छे खासे हों। अब रिच पीपुल के लिए क्या डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हायर फैमिली इनकम, ठीक है, कि उनकी अच्छी इनकम हो, कि ना पहले भी इंडिया में अपना हेल्थ के लिए ना डॉक्टर को दिखा देते हैं, अब वो जाकर कहीं विदेश में भी अपना कोई ऐसा इमरजेंसी हो तो ऑपरेशन करा सकें, ठीक, अपने बच्चों को इंडिया से विदेश में भी पढ़ा सकें, अच्छी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें, ठीक है, ये होता है उनके लिए डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तक हम लोग डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने लेबर्स के लिए देखा, रिच पीपुल्स के लिए देखा, और भी डिफरेंट टाइप्स के लोगों के लिए, सबके लिए डेवलपमेंट का मायने अलग अलग होते हैं, किसी के लिए नुकसान होता है किसी का डेवलपमेंट, किसी के लिए बेनिफिट होते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट उसे कहते हैं जैसे कि आपके इंडिया में, ठीक है, जितने भी बॉर्डर हैं इंडिया के सब, उसके अंदर, इंडिया के बॉर्डर के अंदर जो भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि किसी इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, कोई इंडस्ट्री लग गया कहीं पर, वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन इम्प्रूव होना, जैसे कि यूनिवर्सिटीज बनना, ठीक है, कॉलेजेस बनना, किसी का घर बनना, ठीक, ये सब डेवलपमेंट में आता है। किसी देश का नेशनल इनकम इंक्रीज होना, ठीक है, जैसे कि जीडीपी होता है, तो इंडिया का जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर, इतना इंडिया का इकोनॉमी है। हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव होना, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट के जरिए स्कीम चलाना, वो होता है नेशनल इनकम। नेक्स्ट होता है कि अब जो ये नेशनल इनकम किसी दो कंट्रीज के बीच में जो होता है, जैसे कि इंडिया हो गया मान लेते हैं और अमेरिका हो गया, तो इंडियन का रुपीज होता है, ठीक, और अमेरिकन का होता है डॉलर। तो हम लोग कैसे इन दोनों को कंपेयर करते हैं? भाई दोनों का यूनिट तो अलग अलग है ना, इंडिया इंडियन का होता है रुपीज और डॉलर अमेरिकन का, तो इसके लिए हम लोगों ने जो रुपीज होता है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो हमारा जो जीडीपी हो गया वो हो गया 2.9 ट्रिलियन डॉलर, तो अमेरिकन में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास कितना, हम लोग अमेरिका से पीछे हैं या फिर कितना हम लोग अमेरिका के पास इकोनॉमी है। इसका इसको मेजर करने के लिए दो टॉपिक्स हैं, पहला होता है नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग, सॉरी फर्स्ट होता है नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग, सेकेंड होता है एवरेज इनकम। नेशनल इनकम वो होता है, आप लोगों को बता ही चुके हैं कि बॉर्डर के अंदर, इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी वाले डेवलपमेंट वाले वर्क होते हैं, इंडस्ट्रीज लगना, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट होना, अदर अदर चीजें, वो सब होते हैं नेशनल इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है कि जितना टोटल इंडिया का इकोनॉमी है, ठीक, जैसे कि टोटल जीडीपी जितना हो गया इंडिया का, और डिवाइडेड बाई
जितना यहाँ पर लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, तो सपोज 130 करोड़ पीपुल्स इंडिया में रहते हैं, तो ये हुआ हमारा एवरेज इनकम जो आया, मतलब पर व्यक्ति सालाना उतना रुपये अर्निंग करता है, समझ में आ रहा बात। ये हुआ इंडिया का एवरेज इनकम, सारे देश का एवरेज इनकम उसी तरीके से निकलता है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास 6920 डॉलर रुपीज है, ठीक ना, पर व्यक्ति हर सालाना इतना रुपया अर्निंग करता है। ये 2019 का रिपोर्ट है, जो कि सिंपल गूगल करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अब जो इंडियन का इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन का पर कैपिटा, पर व्यक्ति जो इनकम है, वो बांग्लादेश से भी कम है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है ना, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट में होता है बांग्लादेश, ठीक है, उससे भी कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बांग्लादेश तो छोटा कंट्री है ना, उसका तो काफी डिक्रीज होना चाहिए इंडिया के अकॉर्डिंग। जी नहीं, वहां पर इंडिया का क्या होता है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जबकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन कम है इंडिया के अकॉर्डिंग, और वहां पर इनकम क्या है, ज्यादा है लोगों की, इसलिए वहां पर जो पर कैपिटा इनकम होता है पीसीआई ना बांग्लादेश का, वो इंडिया से काफी ज्यादा होता है। इसलिए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो पूरे वर्ल्ड में 99th रैंक पे है पर कैपिटा इनकम में। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया चाइना के बाद सबसे लार्जेस्ट क्या है, पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सबसे अधिक जनसंख्या रहती है इंडिया में। ये हम लोग देख ही चुके हैं पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, जितना पूरे एरिया मतलब कि पूरे इंडिया में जितना भी इनकम होता है और जितना वहां पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है, जैसे कि कंट्रीज का ना क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, कि अगर 4,53,000 रुपीज अगर पर ईयर अर्निंग करती है कोई व्यक्ति, तो वो क्या होता है, रिच कंट्रीज में आते हैं, और जो व्यक्ति का इनकम 37,000 और उससे लेस है, तो वो क्या होते हैं, मिडिल सॉरी लो इनकम कंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ना वो लो इनकम कंट्रीज में आता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंडिया की 2004 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 28,000 पर एनम लोग अर्निंग करते हैं, यानी सालाना जो इनकम होता है इंडिया के लोगों का पर व्यक्ति का, वो 28,000 रुपया है। ये आपका स्क्रीनशॉट लिया गया एनसीईआरटी के बुक से, जो कि रिपोर्ट 2004 का दिखाता है। अब थोड़ा सा चेंजिंग इसमें जरूर हुआ होगा भाई, इतने साल हो गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दो चीज की, इंडिया क्या है, लो इनकम कंट्रीज में आता है पहला चीज। दूसरा चीज कि ये जो रिलीज होता है ना रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, पर कैपिटा इनकम होता है ये काफी अच्छा भी होता है, ठीक है ना, किसी देश को अमीर और गरीब मानने के लिए, ना किसी देश का हाई इनकम है, किसी कंट्रीज का लो इनकम है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी होता है। लिमिटेशन ये होता है इसका कि अब देखिए, जैसे कि कंट्री एक्स है, इसमें सारे देश जो है ना सबका इनकम लगभग लगभग सारे टाइप्स के लोगों का इनकम उस देश में इक्वल है, लेकिन जो कंट्री वाई है वहां पर काफी लोग गरीब हैं, और जो कुछ सेक्शंस के लोग हैं ना, फाइव कैटेगरी में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 43,000 उनका इनकम है। तो जब पर कैपिटा इनकम निकलेगा तो ये जो लोग हैं जिनकी 500 इनकम है, इनकी भी इनकम इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है, सबका एवरेज निकाला जाएगा ना, तो दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए जो ये वाले एक्स वाले लोग हैं और जो वाई वाले लोग हैं देश के, दोनों कंट्रीज के, दोनों के पीसीआई में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों की, जो वहां पे गरीबी है, वो तो दोनों में डिफरेंस है ना, कि एक कि वाई वाले कंट्रीज में ज्यादा लोग गरीब हैं, ठीक है ना, इन इक्वालिटी इसमें ज्यादा है वाई वाले कंट्रीज में। लेकिन ये जो रिपोर्ट होता है वर्ल्ड बैंक का, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिखाता है जिससे दोनों में डिफरेंस पता चल सके कि हाँ कंट्री एक्स के लोग का इनकम इक्वल है, कंट्री वाई के लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइक्वल है, ठीक है। या आप लोग केस स्टडीज देख सकते हैं, एनसीईआरटी ये भी लिया हो गया है। नेक्स्ट आते हैं इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर पब्लिश ये रिपोर्ट करता है यूएनडीपी के द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है यूएनडीपी के द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, उनके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग, लोगों का वहां पर कितने ज्यादा लोग वहां पर हेल्दी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। तो उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है तो उसमें ये इंडिकेट नहीं करता है कि लोगों की वहां पर इनइक्वालिटीज कितनी है, लेकिन जो ये रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, कौन सा रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें कुछ
क्राइटेरिया होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है, इसको IMR भी बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो 1,000 लिविंग लिविंग बेबीज पे, जैसे कि अगर कोई बेबीज का एज 0 to 1 ईयर है, ठीक है, 0 से लेकर 1 साल तक का है, तो कितने बेबीज लिविंग हैं, ठीक है ना, कितने बेबीज सेव रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, सेकेंड होता है लिटरेसी रेट। इसमें क्या होता है कि लोग कितने लिटरेट हैं, 7 ईयर से एज के ऊपर के बच्चे या लोग जो लिटरेट है, जिनको लिखना और पढ़ना आता है, उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो, तो 6 to 8 ईयर, सिक्स सॉरी 6 to 10 ईयर के एज के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है, तो उनका अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो, ठीक है ना, जैसे कि 1,000 मेल पर जितनी फीमेल होती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। जैसे कि 1,000 पे कहीं 900, 930, 40, इस तरह से वोमेन्स का रेशियो होता है, वोमेन्स का जनसंख्या होता है 1,000 मेल पर, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि हमने बताया आपको लास्ट स्लाइड में कि जितने एज पे लोग एक्सपायर करते हैं, एवरेज एज, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 2014 तक 68 ईयर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ठीक है, मतलब इस एज की तक एवरेज लोग जीवित रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है पर कैपिटा इनकम, तो हम लोगों ने देख लिया था लास्ट स्लाइड में, पीछे वाले में, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट इसको किया जाता है। तो जितना पूरा इंडिया का इकोनॉमी होता है, सॉरी हाँ इकोनॉमी होता है, और डिवाइडेड बाई जितना वहां का पॉपुलेशन होता है, ठीक है, जितना पूरे देश का इनकम होता है और पर ईयर, और डिवाइड बाई जितना वहां का जनसंख्या होता है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। किस तरह से मेजर किया जाता है, जैसे कि हम लोग अब तक सिर्फ जीडीपी के बारे में पढ़ते आ रहे थे, जीडीपी क्या होता है, तो जो हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, किसी एक बॉर्डर एरिया के अंदर, ठीक, किसी पार्टिकुलर एरियाज के अंदर जितना डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं जीडीपी। ये हम लोग लास्ट स्लाइड से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस लेक्चर के। उसके बाद होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है, अब देखिए, जैसे कि इंडियन सिटीजन हो गए, किसी वो देश के बाहर गए, किसी दूसरे देश में, वहां पर जाकर अपना इंडस्ट्रीज खोल दिए, ठीक, तो वो जो वहां से जो इनकम जनरेट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग जीएनपी। समझ रहे बात को, मतलब वो इंडस्ट्रीज कहाँ का हुआ, इंडिया का हुआ, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है जीएनपी। नेक्स्ट होता है जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें क्या होता है कि जितना इनकम देश में जनरेट हुआ, ठीक है, अब प्लस में जो लोग इंडिया के जो सिटीजन्स बाहर में वर्क करते हैं और पैसा वो लोग रेमिटेंस उसको बोला जाता है, जो पैसा इंडिया के बाहर के लोग ना सिटीजन्स पैसा वापस अपने देश में घर को अपने भेजते हैं, घर पे लोग जो रहते हैं उनके गार्जियंस जो भी होते हैं उसके लिए, तो जो पैसा बाहर से हमारे देश के अंदर आया, ठीक, उसको अब प्लस में जो जीडीपी होता है इंडिया का, जो पैसा इंडिया में जनरेट हुआ, और दोनों को कैलकुलेट करके उसको बोला जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम। आगे बात समझ में, एक बार फिर से समझते हैं, जीडीपी पता है जो हमारे किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर उसका प्रोडक्शन हुआ किसी चीज का, उसको बोलते हैं जीडीपी। जीएनपी किसको बोलेंगे, जो सिटीजन्स कहीं बाहर में गए, वहां पे अपना इंडस्ट्री सेटअप कर दें या कुछ अपना स्टार्टअप सेटअप किए, तो वो एक्चुअल में तो इंडिया का ही हुआ ना इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप, ठीक, ये हुआ जीएनपी। अब नेक्स्ट होता है नीचे वाला ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक, कोई व्यक्ति सऊदी अरेबिया कमाने गया इंडिया का, वहां से जो पैसा अपने घर को भेजेगा इंडिया में वापस, वो होता है रेमिटेंस, ठीक। और एक बात आपको बता दे, इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्रीज है, मतलब इंडिया के लोग सबसे अधिक पैसा कमाकर इंडिया में वापस भेजते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, ठीक है, तो ये इंडिया का एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो इसको बोलते हैं GNI, इंडिया का GDP, और प्लस में दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए रेमिटेंस जो आते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किए हैं, एक बार हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे।
सस्टेनेबल का मतलब होता है एक साथ, और डेवलपमेंट का मतलब पता ही आप लोगों को, विकास। तो इसका मतलब ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान करके अधिक से अधिक डेवलपमेंट करना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए दुनिया ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं कि इन्वायरमेंट का कम नुकसान हो, जैसे कि ओजोन लेयर का आप लोग नाम जानते हो, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम हो। उसके लिए पहला स्टेप्स लिया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसका टारगेट था 2000 से 2015 तक, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, सिर्फ पेपर्स के वर्क में ये सब ये सिमट के रह गया था। तो उसके बाद तो 2015 में दोबारा एक रिपोर्ट लेकर आया गया, रिपोर्ट नहीं एक टारगेट लेकर आया गया, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें 17 गोल्स होते हैं, ठीक, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूम करके भी कि क्या क्या इसके गोल्स हैं, क्लियर तो नहीं दिख रहा है इमेज में, गूगल कर सकते हैं आप लोग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेन राइज इन द रियल पीसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात है, लोगों की पॉवर्टी को रिड्यूस करना, लोगों की इनकम को इंक्रीज करना, उनकी क्वालिटी को, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको अच्छी करना, ये इनका टारगेट है। अब जब ये क्लाइमेट की बात कर रहा था, पोल्यूशन की बात तो करेगा ही नहीं, करेगा ही जरूर, छोड़ेगा कहाँ से। तो पोल्यूशन लेवल जो है उसको रिड्यूस करना, ठीक। नेक्स्ट जो है रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सिंपल सी बात है ना कि पेड़ों की कटाई कम करना, ठीक है, ये जो सॉइल्स हैं ना, लैंड्स हैं, उनका सही यूज कर पाना, जो नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे कि पेट्रोल, ठीक है ना, इन सारी चीजों को, डीजल्स और अदर जो चीजें होती हैं जैसे कि कोल्स वगैरह, सही से यूज कर पाना ताकि वो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान करे। नेक्स्ट है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक। तो जैसे कि वाटर हो गया, तो बोला जाता है कि वाटर सेव करें ताकि जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ हम लोग सेव करके रख सकें। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो ये लेक्चर खत्म होता है, थैंक यू।